त्रिपाठी जी, एक सागर से चल के दूसरे सागर तक पहुंचे हैं। अरब सागर से लेके ये बंगाल की खाड़ी तक की उनकी यात्रा और ये साहित्यिक यात्रा बहुत अच्छी लगी सर। हमारे सतीश डोगरा जी, हम लोग बहुत पुराने मित्र हैं और ये जब चेन्नई के जेल के अधिकारी हुआ करते थे, उन्होंने जेल के कैदियों के लिए जो काम किया वो अद्भुत काम है। पूरे देश में उसकी एक अलग चर्चा हुई। साहित्य में इन्होंने कई भाषाओं में लिखा और सबसे ज्यादा कंप्यूटर पे अगर साहित्य को उभारने का काम किया है तो सतीश डोगरा जी ने किया। आज सुमन 40 सालों से हमारी मित्रता है और सुमन की जब पहली पुस्तक आई थी तो उसका प्रस्तावना लिखने का मुझे सौभाग्य मिला था और आज ये उनकी किताब, ये गजल की किताब, उस पर मुझे कुछ बोलने का, उनकी गजल गाने का एक अवसर मिला है। हम फकीरों से दोस्ती कर लो, हम फकीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही। और इस शेर को लिखने वाला मैं भी हमारा वकील सुमन है। एक गजलकार, एक लेखक, एक शायर की जिंदगी में तमाम जो अनुभूतियां होती हैं वो एकत्रित करता है और उसी को अपनी गजल में भी होता है। सुमन की जिंदगी के सारे खट्टे मीठे अनुभव इस गजल में हैं। इस गजल के मियार को निश्चित रूप से जो गजल जानने वाले हैं वो पहुँचेंगे। उसकी शब्दावली, उसके गजल की जो रायत है या यूं कहने की गजल का जो काफिया बनी है वो तो है ही, लेकिन उससे बड़ी चीज है कि उसमें उसका जो मियार है, उसमें जो संदेश है, उसकी जो गुनावट है, उसमें जो नयापन है। क्योंकि गजल तो सदियों से लिखी जा रही है लेकिन उन गजलों में कहाँ नयापन किस शायर ने लाया, यही उस शायर की पहचान होती है। और गजल में ये पहचान हमारे चेन्नई से सुमन अग्रवाल ने हासिल किया है। मैं उन्हें मुबारक बात करूँ। ये एक और अनूठी बात हुई। भाई गोविंद जी ने कहा कि ये पहला मौका है जब किसी पति ने अपनी पत्नी को, यानी कि सर्वांगिनी को, अपनी पुस्तक अर्पित की है। लेकिन यहाँ पे आप बाहर साहब हजरात को मैं बताना चाहूंगा कि ये एक गजल लेखक के द्वारा गजल लेखिका जो 20 है, 19 नहीं है, और उनको दी गई तोहफा है। ये बहुत बड़ी रेखा जी भी बहुत अच्छी कवित्री है और पूरा का पूरा परिवार शायद मैं समझता हूं कि जैसे अभी आधा वर्ष की तारीख में हमारे सागर त्रिपाठी जी ने कहा कि अकेली संस्था है, अपने कुछ विशेष गुणों के कारण हमारी अनुभूति में ये परिवार के बिल्कुल अनूठा है। इसमें भाई भी शायद कवि, बेटा भी शायर कवि, पत्नी भी शायर कवि और भतीजा मुकेश भी शायर कवि, यहाँ की पोती भी, पांच पांच उनकी पोती की जो रचनाएं हैं वो आप सबने देखा होगा कि अंग्रेजी में बहुत चर्चित हुई। तो इस तरह से एक ऐसा अनोखा परिवार हमारे अनुभूति परिवार से जुड़ा है जो पूरे देश में अपने आप में बिल्कुल एक अनोखा परिवार है। मैं उस पूरे परिवार को इस बात के लिए, आज के इस मौजूद मौके के लिए मुबारकबाद, इस बात के लिए तालियां तो बजाऊं। आज की शाम इस मायने में भी थोड़ी खुशनुमा है कि पहली बार अनुभूति के मेहनत करे गंगा जमुनी तहजीब यहाँ हमारे सामने बैठी। हमारे डुमना भाई बहुत अच्छे गजल गा रहे हैं, यहाँ हाजिर हैं, बहुत एहसास हाजी हैं, हमारे पूरे शाही घराने हैं और उर्दू अदब के यहाँ पे जो लोग हैं वो सब अपनी अपनी शख्सियत में बहुत ऊंचे हैं। आज यहाँ वो सब इस मौके पर मौजूद हैं, मैं उनका सहयोग करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। और अनुभूति की जो ये नई रवायत चली है जिसमें गंगा जमुनी तहजीब को एक साथ हमने लाया है,
इसके लिए मैं अपने गोविंद जी को अपने ज्ञान जैन जी को भी मुबारकबाद देता हूँ। ये गंगा जमनी तहजीब, ये रवायत, ये आपस का मोहब्बत, ये प्यार चलता रहे। और आखिर में दो तीन लाइन उन्हीं की गजल से, क्योंकि कई बार जब अलग से हम ये दोस्ती करेंगे तो निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि उनकी गजलों के क्या क्या फायदे हैं, क्या विशेषताएँ हैं, किस महीने में उनकी गजलों ने अपनी अलग छाप छोड़ी है वो अलग हो, लेकिन फिलहाल तो उनके सही हालात को बयां करते हुए गजल मैंने चुनी है और रेखा जी भी इसको निश्चित रूप से तस्दीक करेंगी। हम बजा हिल तो घर में रहते हैं, हम बजा हिल तो घर में रहते हैं, बना हर दम सफर में रहते हैं, हम बजा हिल तो घर में रहते हैं, बना